हल बहुत हल्का झुक रहे हैं, बाकी बहुत हद तक कह सकते हैं अपराइट ही बैठ रहे हैं, तो एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन भी है। अगर आप और भी दो चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो रॉयल एनफील्ड में आपको नहीं मिलती है, मतलब थर्ड गियर पे, ठीक है, सिटी में अगर आप लोग देख रहे हैं थर्ड गियर पे अगर आप लोग हैं तो आप लोग देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और आज चैनल पर पहली बार मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 होंडा CB350 RS। और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पर इस बाइक के लिए डिमांड करी थी, सो हियर इट इज़। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर भी करते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो रॉयल एनफील्ड की 350cc सेगमेंट की जो जे सीरीज इंजन आती है उससे भी अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए ये बाइक यहां पर खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, सो दैट मैं आप लोगों तक ये राइड रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड के साथ स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो की है वो देख लीजिए, होंडा की लोगों के साथ काफी लंबी वाली की आप लोगों को मिल रही है। सीबी 350 और CB 350 हाइनेस के दौरान भी आप लोगों ने सेम की ही देखी थी। अब अगर आप लोग डिजाइन देख रहे हैं ना, तो देखिए ये बाइक में आप लोगों को वो जो रेट्रो फील है वो तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वो कैफे रेसर वाली जो फील है, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा वो जो स्पोर्टी फील है वो भी आप लोगों को यहां पर मिलता है। बाकी स्पोर्टी फील में इसलिए कह रहा हूं ना कि चलाते वक्त ना ये डेफिनेटली फील होता है, जब मैं बाइक को यहाँ पर चला के ला रहा था मुझे ये फील हुई है। अब इस बारे में ना जब चलाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, होंडा की यहाँ पर जो 3D लोगो है ये आप लोगों को मिल रही है, CB350 RS यहाँ पर इसको 3D में लिखा गया है। बाकी मैं कह दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग वेरिएंट देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को डिलक्स मॉडल दिखेगी, बेस मॉडल जो कि ये वाली है, एंड यहाँ पर आप लोग को दो कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं 260,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगी। देन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ नहीं मिलती है, ब्लूटूथ आप लोग को मिलना स्टार्ट होगा डीलक्स प्रो मॉडल से, एंड देन आप लोगों को डीलक्स प्रो ड्यूल टोन मॉडल भी मिलेगा, और प्राइस वहां पर दोनों में आप लोगों को 263,000 तक पे करनी होगी। ब्लूटूथ मिलेगी, और आप कह सकते हैं दोनों में आप लोगों को एक एक कलर वेरिएंट भी मिल जाएगा। देन देखिए कस्टमाइजेशन वाली एक ऑप्शन भी आती है, अब उसकी प्राइस जैसे आप कस्टमाइज करेंगे उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ह्यू मॉडल भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, जिसकी प्राइस अगेन आप लोगों को 2,000 रुपये और ज्यादा पे करना होगा, ठीक है। बेस मॉडल 260, मिड मॉडल 263, एंड देन ह्यू मॉडल 265,000 तक आपको पे करना होगा, उसमें भी आप लोगों को ब्लूटूथ मिलेगी। लेकिन मैं कह दूं ह्यू मॉडल जो है ना शोरूम में अगर अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपनी उसकी प्रोडक्शन अभी शायद नहीं कर रही है, जो मुझे शोरूम से भी पता चला है वो मैंने आप लोग को भी बता दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राइस मैंने आप लोग को बताया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर है, मेरे एरिया के हिसाब से आपके एरिया में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पर आपको रिप्लाई करने की विद द प्राइस। और चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजें मिल क्या कह रही है, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग यहां पर इसकी की को ऑन करते हैं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको यहां पर इग्निशन को ऑन करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही अगर आप लोग यहां पर हाई बीम लो बीम पासलाइट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, हाई बीम लो बीम एंड देन पासलाइट। और जो आप लोगों ने CB200X या फिर आप कह सकते हैं हॉर्नेट के दौरान देखी थी नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ LED टर्न इंडिकेटर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। और अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, नीचे काफ़ी तगड़ी वाली मडगार्ड, देन आप लोग को यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल रही है। सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं हाइनेस के मुकाबले, यहाँ पर एक जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी वो है ये बिलोज, ठीक है, या फिर आप बूट्स कह सकते हैं जो यहाँ पर सस्पेंशन को गार्ड कर रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर टायर देखते हैं तो 100/90 सेक्शन की टायर विद 19 इंचेस ऑफ वाई शेप अलॉय व्हील मिल रही है, बाकी डिजाइन के बारे में आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और वहीं अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं डुअल चैनल ABS मिलेगी, ठीक है, CB350 RS, मतलब हारिस तो बात ही कर रहे हैं, हारिस भी आप लोगों को डुअल चैनल ही देखने में मिलती है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क में आ रहे हैं तो 310mm की डिस्क आपको मिल रही है, डिस्क निसन कैलिपर और रिफ्लेक्टर तो यहाँ पर है ही। अब दोस्तों देखिए अगर आप इसको कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड आ गई, मैं स्पेशली क्लासिक या फिर आप कह सकते हैं बुलेट 350 के साथ भी अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मतलब अगर आप क्लासिक के साथ कंपेयर कर रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पर भी टायर आपको सेम मिलेगी, लेकिन वहाँ पर ट्यूब टायर है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं स्पोक व्हील मिलती है, तो यहाँ पर एक आप लोगों को डेफिनेट एडवांटेज मिलता है। देन वहाँ पर 300mm की डिस्क है जो कि 310 की यहाँ पर मिल रही है। बाकी मैं कहूँगा देखिए ऑन पेपर
पर क्या है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, चलाते वक्त क्या फील होगा उसके बारे में डेफिनेटली मैं आगे आप लोगों को यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। शेयर करूँगा मैं अपना भी एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चलाया हुआ है क्लासिक 350 को अराउंड 500 किलोमीटर्स के आसपास एक राइड मैंने करी थी, तो पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ इसको भी कंपेयर करके मैं आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट इंजन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप देखिए, ये जो क्रैश गार्ड है ये अलग से यहाँ पर लगवाना होता है, ठीक है, जो यहाँ पर अभी मिसिंग आपको दिख रही है। लेकिन हाँ, अभी इंजन के बारे में बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 350 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिल्टर इंजन आपको मिलेगा। जी हाँ, जे सीरीज के इंजन में कंपनी दावा करती है रॉयल एनफील्ड की इंजन के अंदर ऑयल कूलिंग भी है, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं, 21 पीएस तक की मैक्स पावर एंड 30 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आपको मिल रही है। तो पावर अगर आप लोग देख रहे हैं 1 पीएस ज़्यादा है, टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 3 न्यूटन मीटर यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। और भी दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो रॉयल एनफील्ड में आपको नहीं मिलती है, वह स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कंपनी यहाँ पर इसको होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम कहती है। और मैं आप लोग को ये जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है इसको भी टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। अब उसके पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक रिवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये आप लोग को काफ़ी दमदार देखने को मिलेगी, ठीक है। और अब इसकी जो आवाज़ है ना, वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन ले, बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्लासिक बुलेट या फिर यहाँ पर ये CB350 RS, आप लोगों को सबसे बेहतर कौन सा लगा नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब एक बार अगेन यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं और बात करते हैं अबाउट द रियर सेक्शन। ये भी काफ़ी स्पोर्टी आप लोग को यहाँ पर मिलती है, होंडा की यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, देन यहाँ पर काफ़ी स्पोर्टी दिखने वाली यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टेल लैंप, ये आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोग को यहाँ पर ये जो नॉन फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स है ये मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक LED भी यहाँ पर चल रही है। बट मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो क्योंकि अगर आप लोग यहां पर ये मडगार्ड देखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये नीचे तो गई नहीं है, तो बरसात के टाइम पर डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देगी, वो जो कीचड़ वगैरह छिटकती है उससे प्रॉब्लम आपको होगी। लेकिन जब आप यहां पर टायर देखेंगे ना, देखिए कैमरा में शायद बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये एक मैसिव टायर है, ठीक है, मैसिव 150x70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील, 240mm की यहाँ पर आपको ये डिस्क मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ऑन बोथ द साइड्स यहाँ पर मिल रहा है। टायर डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की 350 cc से काफ़ी चौड़ी मिलती है, वहाँ पर 120 मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को 150 मिल रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो ब्रेक डिस्क है 270 मिलती है, जो यहाँ पर 240 है। अगेन कहूँगा ऑन पेपर क्या है मैटर नहीं करता है, चलाते वक्त कैसा मिलता है वो मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर बिल्कुल अभी बताने वाला हूं। जब आप यहां पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड तो है ही, जो कि मेटालिक स्ट्रक्चर की बनी है, लेकिन उसको गार्ड करती हुई यहां पर फाइबर की स्ट्रक्चर भी दी गई है। अगर आप लोग यहां पर लेडीज फुटर्स लगवाना चाहते हैं तो वो अलग से आपको लगवानी पड़ेगी, ठीक है, 200-300 रुपए खर्चा आता है। देन वो स्पोर्टी स्टाइल को यहां पर मेंटेन करने के लिए यहां पर जो ओपन सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिलेगा, ताकि वो स्पोर्टी फील आप लोगों को डेफिनेटली मिल सके। हिल एंड टू शिफ्टर नहीं, सिर्फ सिंगल, यही जो शिफ्टर आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, बॉक्स सेक्शन, स्विंग आर्म वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। काफी लंबी सी यहां पर लोग जो सिंगल सीट है वो मिल रही है, तो स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। 800 तक की जो सीट हाइट है ये भी आप लोगों को यहां पर डेफिनेटली देखने को मिल रही है। और ग्रैब हैंडल के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर ये चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स वगैरह प्रेफर कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से बैकरेस्ट लगा लीजिए और अलग से वहां पर ग्रैब हैंडल आती है, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। 15 लीटर तक की जो टैंक है ये भी आप लोगों को यहां पर मेटालिक ही देखने में मिल रही है। करीबन 35 किलोमीटर तक की माइलेज, और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं 168 है, बाकी रॉयल एनफील्ड में 170, रॉयल एनफील्ड में पहले कम आती थी अभी ज़्यादा आ रही है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वेट देखते हैं ये भाई हाइनेस से भी कम है, 179, बहुत ज़्यादा कम, मतलब 16 किलोग्राम कम है अगर आप लोग इसको रॉयल एनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं। स्पेशली क्लासिक वहाँ पर 195 किलोग्राम आती है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मतलब हल्की या फिर आप कह सकते हैं कि बेटर ही देखने को मिल रही है। काफ़ी चौड़ी सी जो हैंडल बार है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, और हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच मिल रही है, और इसको पहले एक बार ऑन करते हैं। हॉर्न इज ऑल्सो लाउड, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन क्राउड में सुनाई देगी। टर्न सिग्नल एंड देन राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच और स्टार्ट स्टॉप स्विच को इंटीग्रेट किया गया है, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं हैजार्ड लैंप का स्विच है ये मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं ना, क्योंकि ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल नहीं है, डीलक्स प्रो या फिर डीलक्स प्रो डुअल टोन मॉडल में ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को मिलता है। तो देखिए कंसोल सेम है लेकिन वहाँ पर से ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी वो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने में मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों से कहा था ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, अगर आप चाहें तो इसको मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिकेशन भी आप लोगों को मिल रही है, ये स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, रेंज आप लोगों को दिखा रही है, मोटर सेट की दो बटन आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, रेंज के बाद आप लोगों को यहाँ पर बैटरी की जो वोल्टेज है, ओडोमीटर है, और यहाँ पर जो ट्रिप
भी और जो रेंज है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाती है, बाकी किलोमीटर्स कितनी हुई है ऑडोमीटर आप लोगों को दिखा देगी, गियर पोजीशन सेंसर और जो टाइम है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट और ABS के सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर दिखती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग डीलक्स या फिर डीलक्स मतलब डीलक्स प्रो या फिर डीलक्स प्रो डुअल्टन मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो वॉइस असिस्ट सिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं जो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो मिरर देख रहे हैं ये भी आप लोगों को कंप्लीटली वो जो रेट्रो फील है वो बिल्कुल देती है। लेकिन हाँ आगे चलते हुए इसके बारे में और बात करेंगे कि रियर व्यू आप लोगों को कितना बढ़िया तरीके से निकाल कर देती है। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात कर लिया, चलिए अब चलते हैं राइड पर, देन देखते हैं कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस राइड के दौरान ये बाइक आपको निकाल कर दे सकती है। और दोस्तों अब देर किस बात की, राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं ऑफ 2024 CB350 RS जो होंडा प्रोड्यूस करती है। 800 mm की सीट हाइट है जब आप बैठ रहे हैं, ऐसा थोड़ा तो लग रहा है भाई कि आप थोड़ी सी ऊंची सीट पर बैठे हैं। देखिए मेरा जो पैर है वो हल्का से यहाँ पर मतलब टच कर रहा है, ठीक है, तो ऊंची सीट पर बैठे हैं ये तो डेफिनेटली आप लोगों को मतलब समझ में आएगी। बाकी मेरा हाइट जो है मतलब क्लोज टू 6 feet है, मतलब टच कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बेंड है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ कंफर्टेबल सीट है, थोड़ी सी हार्डर साइड पर है लेकिन हाँ सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफरेबल है। अब देखिए जब आप बैठ रहे हैं ना तो बहुत हल्का सा झुक रहा है। अब मेरे जैसे इंसान ना, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल बताऊं, मुझे स्पोर्टी बाइक थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन ये भी है कि मैं लॉन्ग राइड भी पसंद करता हूं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब महीने दो महीने में एक बार कहीं निकल गया। तो ये जो सिनेरियो होता है ना कि स्पोर्टी बाइक तो चाहिए भाई, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए एक कंफर्टेबल राइड वाली वो पोजीशन भी चाहिए, मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए काफ़ी सही बन सकती है, क्योंकि आप बहुत हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रियर फिटेड फुटपैक है और स्पेशियस सीट भी है, ठीक है, तो अगर आप पिलन के साथ जाना चाह रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ओहो भाई साहब। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, चाहे आप 350 CB350 देख लीजिए या फिर हाइनेस देख लीजिए या फिर RS की वेट सबसे कम है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ना, ये देखिए सेकेंड गियर में जब आप जा रहे हैं ये देख रहे हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है ना भाई, मुझे तो यहाँ पर CB350 या फिर हाइनेस से यहाँ पर मुझे सबसे बेहतरीन लगी है थ्रॉटल रिस्पॉन्स। और इनिशियल रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आप खुद राइड कर रहे हैं पिलियन के साथ या फिर वेट उठा के भी पिलियन, मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स पे निकलना चाह रहे हैं वेट वगैरह लाद कर, तो भी मेरे ख्याल से इनिशियल इंप्रेशन में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, मतलब पिकअप वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी देखने में। और देखिए स्लिपन एसिस क्लच आपको यहाँ पर मिल रही है, तो ये जो क्लच है मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन एक बात इससे भी ज़्यादा जो मुझे यहाँ पर पसंद आई है वो ये है कि भाई जब आप इसको मोड़ रहे हैं ना, CB350 में भी मैंने ये चीज़ देखा था, देखिए काफ़ी मतलब आप हल्के से जगह पे इसको मोड़ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी हल्के से जगह पे आप इसको मोड़ पा रहे हैं। और एक और चीज़ है भाई, 350 cc के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको इंजन मिले, मतलब 350 cc की बाइक आप कह सकते हैं, हैंडल ना आपको चलाते वक्त ये काफ़ी हल्की ही महसूस होगी, ठीक है, और ये बात भी मुझे काफ़ी सही लगी। एंड देन चलिए अब इसको टेस्ट भी करते हैं स्लिपर एसिस क्लच को, पहले 60 तक ले चलेंगे एंड देन गियर डाउनशिफ्ट करेंगे, एंड डाउनशिफ्ट, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी रियर टायर स्लिप नहीं करी है। और अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ये जो व्हील बेस है ना थोड़ी लंबी है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि भाई काफ़ी स्टेबिलिटी आप लोग को मेंटेन करती हुई नज़र आएगी, अगर आप लोग डाउनशिफ्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये आप यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है, मतलब जब आप स्पीड पर हैं काफ़ी स्पीड पर और आपको सामने कोई दिख गया, पट से अगर आप लोगों को डाउनशिफ्ट करना है स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, ठीक है, ताकि आप बच सके या फिर सामने वाले को बचा सके, तो इन दैट केस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्लीपर क्लच, जो मैंने आपको अभी बताया है। 70 पे ले जाके भी मैंने 2 बार शिफ्ट करी है, ठीक है, तो मुझे कोई यहाँ पर जो रियर टायर स्लिपेज है वो समझ में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं CB350 से यहाँ पर इसको राइड कर रहा हूँ ना, तो देखिए गियर बॉक्स वगैरह भी बिल्कुल ही सेम है, बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर हल्की सी वो जो हार्डनेस है, मतलब आप कह सकते हैं गियर शिफ्टिंग है, वो यहाँ पर समझ में आई है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल यूज़ करना होगा अप या फिर डाउन शिफ्ट करने के लिए। और अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी कर लेते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट गियर 3 horn के साथ, जीरो टू 60 आप लोगों ने यहाँ पर देख ली है, टाइम फॉर 0 to 100 नाउ, और ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ ना कि स्मूथनेस भाई बहुत तगड़ा है, स्मूथनेस में आप लोग यहाँ पर कोई शिकायत मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 110 से 20 के बीच में अगर आप रख रहे हैं ना,
तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ जानते हैं, जब आप ये कर रहे हैं ना, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉयल एनफील्ड में ना ये जो हैंडल है इतना ईजी से आप नहीं मोड़ पाते हैं। बाकी अगर क्लासिक की बात करी जाए, मैंने उसको राइड करी है 500-550 किलोमीटर, तो हैंडल थोड़ी सी भारी लगती है, ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पर वो भारीपन जो वो जो फील है ना, वो यहाँ पर आपको फील नहीं हो रही है। और हाँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, 100-110 तक वहाँ पर भी वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर तो भाई, अगर आप फिफ्थ गियर पर हैं, आप 100-110-120 तक भी जा रहे हैं, तो भी आप आराम से बहुत ही कम वाइब्रेशन के साथ आराम से आप क्रूज कर सकते हैं, और इसी को आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर भी चल सकते हैं। और अभी देख रहे हैं इको बीच बीच में यहाँ पर स्पॉट हो रहा है, और अगर आप फिफ्थ गियर पे डाल के 70-80 पर भी चलाएंगे ना, तो भी आप लोगों को इको यहाँ पर बताएगी। मतलब कंपनी कह रही है कि भाई फिफ्थ गियर पे डालिए, लॉन्ग राइड पे निकलिए, 70-80 पे चलाइए, आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, 30-35 किलोमीटर तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए वाइब्रेशन तो मैंने आपको अभी बताया है, और अगर आप लोग स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे फील नहीं हो रही है, ठीक है। और ये इसकी एक वजह ये भी है कि भाई टायर्स मोटे हैं, ठीक है, और व्हील बेस भी लंबा है, और भाई राइडिंग डायनामिक्स तो एक अलग मैटर यहाँ पर लाती ही है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द गियर, तो देखिए टॉल गियर्स ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, पहले इसको फिफ्थ गियर पर ले चलते हैं, ठीक है, और देन देखते हैं कि भाई मिनिमम कितने स्पीड पर यहाँ पर चला पाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा खींचते हैं, ये देखिए आप अराउंड आप देख सकते हैं, मतलब 35-40 के स्पीड पर भी ना आप आराम से इसको क्रूज कर पा रहे हैं। और देखिए अगर आप इसको जनरली यूज़ करना चाहेंगे फॉर सिटी यूज़, ठीक है, तो वो कैसे कर पाएंगे, एक बार इसको मोड़ते हैं अगेन, एंड देन अगर आप लोग हल्के से इसको मतलब थर्ड गियर पे, ठीक है, सिटी में अगर आप लोग देख रहे हैं थर्ड गियर पे अगर आप लोग हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ये देखिए 20 के स्पीड पर भी आराम से चल रही है, कोई मतलब वो जो कह सकते हैं इंजन स्टॉलिंग वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई टॉल गियर्स ही, और अगर आप लोग स्पीड स्लो डाउन भी कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आप लोगों को गियर्स की, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को एक्सेलरेशन को कंपेयर करके बताऊं विद क्लासिक या फिर मिटियोर या फिर बुलेट, मैं कहूँगा देखिए वहाँ पर भी काफ़ी सही है, 0-60-70 तक भी शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पर और वहाँ पर आपको डिफरेंस ना दिखे, लेकिन जब आप 80-90 पार करेंगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो एक्सेलरेशन है वो बेहतर दिखने चाहिए। तो ये तो एक बात है। अब अगेन यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करते हैं। चलिए 60 पर ले जाके फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। ओ भाई, फ्रंट ब्रेक में तो डेफिनेटली वो ABS की इंट्रूशन मुझे समझ में आई, और ब्रेक मतलब ये जो ब्रेक, इसकी बाइट फीडबैक गजब आपको मिलती है। और रियर में भी टेस्ट करते हैं, ठीक है, सेम 60 पे रियर ब्रेक अप्लाइड। ये यहाँ पर भी मुझे ABS की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आई है। बाकी हाँ, ये प्रोग्रेसिव नेचर की है, पट से स्पीड कट डाउन नहीं कर रही है, लेकिन ठीक ठाक टाइम पे आपको जो फीडबैक है वो दे रही है। और अच्छी फीडबैक कब मिलती है, जब रियर के संग संग बाद आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं। तो चलिए वो भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। बाकी 62-63 तक चले गए थे, हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली मतलब रियर ब्रेक में से मुझे ज़्यादा वो जो ABS की इंट्रूशन है, ठीक है, वो जो छोड़ी पकड़ी वाली बात है ABS की, मुझे यहाँ पर ज़्यादा समझ में आई है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा, ठीक है। और मैं कहूँगा दोस्तों, डेफिनेटली अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद रॉयल इनफील्ड क्लासिक या फिर बुलेट 350, देखिए डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव्ड हो चुकी है अभी, स्पेशली विद दिस J सीरीज इंजन, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा 19-20 का फर्क है, ब्रेकिंग वहाँ पर भी काफ़ी सही है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, तो यहाँ पर जैसे आप गाड़ी के उतार रहे हैं ना भाई साहब, आराम से राइड कीजिए, आराम से, ठीक है। मतलब सस्पेंशन देखिए, इसीलिए तो मैं डुअल हाइड्रोलिक यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखिए जैसे आपको बता रहा था कि हाई स्पीड में स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम वैसे बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं हो रही है, ठीक है। हाई स्पीड टॉप स्पीड पर आप ठीक तरीके से इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, गाड़ी अनस्टेबल नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग भी चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे गड्ढे वगैरह पर गाड़ी को उतार रहे हैं, या फिर अगर आप लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उन सारे रास्तों पर भी मेरे हिसाब से ये सस्पेंशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पे सेट की हुई मिलेगी, ताकि कोई भी कंडीशन हो आप लोगों को यहाँ पर ये सूटेबल महसूस हो। और बाकी अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड में भी देख रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से सस्पेंशन जो फीडबैक है आप लोगों को बहुत सिमिलरली देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ी सी वो भारी है, तो वो भारी वाला फील अलग है, लेकिन सस्पेंशन में से जो फीडबैक है वो आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिल जाएगी। और अब अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से जो कहूँगा, जब आप ये कर रहे हैं ना, ये जब आप कर रहे हैं, तो भाई देखिए ये जो बाइक हल्की है रॉयल इनफील्ड से, ये आप लोगों को बिल्कुल महसूस होगी। और स्टिफनेस वगैरह फ्रंट सस्पेंशन में से मतलब बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी कंट्रोल छोड़ रही है, गाड़ी कंट्रोल में भी है। तो आप कह सकते हैं कि भाई
ये जो रियर व्यू मिरर है रेट्रो लुक के साथ साथ रियर जो भी है काफी बेहतरीन दे रही है। बाकी अगर आप लोग डीलक्स प्रो मॉडल में जाते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीडोमीटर है, आप कह सकते हैं कि जो गियर पोजीशन सेंसर वगैरह वो तो मिल ही रहा है। सीट आपको काफी कंफर्टेबल मिल रही है, बहुत हल्का झुक रहे हैं, बाकी बहुत हद तक कह सकते हैं अपराइट ही बैठ रहे हैं, तो एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन भी है। अगर आप पिलियन के साथ भी जा रहे हैं तो स्पेस की भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ब्रेकिंग भी आप लोगों को काफी तगड़ी ही मिल रही है। ओवरऑल मिला जुला के अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी एंजॉयबल राइड इस बाइक में से मिलने वाला है। और स्पेशली अगर आप लोग ओवरऑल लुक को देख के अगर वेट फील करेंगे ना, तो वेट भी यहाँ पर आपको काफी कम ही फील होगी, लेकिन चलाते वक्त उतनी ज्यादा स्टेबल भी है। ओवरऑल हैंडलिंग आप लोगों को काफी बेहतरीन मिलती है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन देखते हैं कि भाई आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, भाई बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। अब देखिए रॉयल एनफील्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्लासिक इन सम सेंस मिट्टी और या फिर जो बुलेट 350 है डायरेक्ट कंपैरिजन में ही आ जाती है। बाकी देखिए हंटर को इसकी डायरेक्ट कंपैरिजन में नहीं लाएंगे, ठीक है। प्राइस 2,05,007 में मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग अगर टॉप मॉडल में आ जाते हैं, ठीक है, तो करीबन 60,000 रुपये तक आप ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन देखिए रॉयल एनफील्ड की अगर आप लोग देख रहे हैं क्लासिक या फिर बुलेट या फिर मिट्टी और, मेरे ख्याल से इसका एक अलग रुतबा है, ठीक है। अच्छी लुक आपको मिलती है, काफ़ी बेहतर आप लोगों को जो रीसेल वैल्यू है वो मिल जाती है। अगर आप लोग बाइक को बेचना चाहते हैं देन आप लोग कह सकते हैं कि आवाज़ ही काफ़ी अच्छी है, एक रॉयल लुक मिलती है, इंप्रूव्ड ब्रेकिंग, इंप्रूव्ड आप कह सकते हो ओवरऑल परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों की वजह से रॉयल एनफील्ड भी बहुत सही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, मैं कहूँगा चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ही आप लोगों को देखने में मिल रही है। लेकिन अगेन प्राइस रेंज वही है, 2,40,000-45,000 से स्टार्ट हो रही है, 2,60,000-65,000 तक मिल रही है। जैसे कि ट्यूबलेस टायर आप लोगों को मिल रहा है, देन आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल रहा है, रियर टायर आप लोगों को काफी चौड़ी देखने को मिल रही है, देन यहाँ पर आप लोगों को सेफ्टी में ऐड करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेट कम है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी आप लोगों को टॉप एंड, अगर आप लोग हाई स्पीड्स में जा रहे हैं तो टॉप एंड आप लोगों को जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर मिल रही है। क्योंकि इसकी वेट कम है तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग भी आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई होंडा है तो रिलायबिलिटी भी आप लोगों को इक्वल यहां पर देखने को मिल रही है। तो भाई रॉयल एनफील्ड भी मैंने जो रीजंस बताई है उनके लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को उसी प्राइस रेंज में, ठीक है, उसी लुक के साथ उसी माइलेज के साथ चीज़ आप लोगों को अगर थोड़ी सी बेहतर चाहिए, होंडा पे अगर आप लोगों को भरोसा है, लुक अगर आप लोगों को इस बाइक की अच्छी लग रही है, तो मेरे ख्याल से ये बाइक भी आप लोग इक्वली उतनी ही आनंद के साथ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा राइड रिव्यू अबाउट 2024 होंडा सीवी 350 आरएस। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों पर ये छोड़ता हूं कि ये रिव्यू देखने के बाद आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्लासिक 350, बुलेट 350, मिटियोर 350 या फिर यहाँ पर होंडा की सीवी 350 आरएस। कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज, नहीं भूलेगा। बहुत जन मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।